बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट स्टेप ग्रुप और बीकानेर अब तक न्यूज परिवार उनके दूसरी बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर हम अभिनंदन करता है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अरुणा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए डालते हैं नजर दिनभर की खास सुर्खियों। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर न्यूज अब तक के तमाम दर्शकों को न्यूज अब तक परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब रुख करते हैं आज की खास खास खबरों पर एक नजर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का बुरा सैलाब। आत्मेश्वर महादेव मंदिर में ऊर्जा जलदाय मंत्री रघुवीर जिकल्ला ने भी किया अभिषेक और विश्व शांति की प्रार्थना। सदर थाने में 70 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। और एक शातिर चोर ने इमोशनली एक व्यक्ति को लगाया चूना, कैसे करे कोई किसी पर विश्वास। महाशिवरात्रि के मौके पर बालेश्वर महादेव मंदिर में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आप ठगी का हो सकते हैं शिकार, किसी को ऑनलाइन नंबर की जानकारी न दें। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं महाशिवरात्रि के पर्व की। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जहां प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है, आम तौर पर धारणा है कि इस दिन महादेव और पार्वती की शादी हुई थी। लोग न केवल इस दिन उपवास करते हैं बल्कि इस दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। बीकानेर के शिवालय में खासतौर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना COVID-19 के बाद में इस कहर को कम होने के बाद अब भक्त अपने आराध्य के प्रति न केवल कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं बल्कि वे इस बात को प्रभु कृपा भी मान रहे हैं। बीकानेर में खासतौर से जहां शिव मंदिरों में धनीधर महादेव मंदिर, अमरेश्वर महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, लालेश्वर महादेव मंदिर, आत्मेश्वर महादेव मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर में भी जो है वो लोग पहुंचे। यहाँ 12 महादेव में भी लोगों ने खासतौर से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शिव पुराण के अनुसार कई तरह की कहानियां प्रचलित है, बावजूद उसके शिव जो है वो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है और भी मानते हैं कि देवों के देव महादेव है। शिव ही जो है पालक है और शिव ही जो है वो सर्जक है, शिव ही संहारक है। कुल मिलाकर के नाना प्रकार की मान्यताओं के बाद भी देवों के देव महादेव के रूप में लोग न केवल महादेव की सगुण साकार रूप में पूजा करते हैं बल्कि निर्गुण निराकार रूप में भी पूजा करते हैं। हम दिखाते हैं बीकानेर शहर के उन शिवालयों की कुछ झलकियां जहाँ पर लोग आस्था और श्रद्धा के साथ में पहुंचे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ऊर्जा
मंदिर और बीडी कला भी बीकानेर में पहुंचे। आमतौर पर यह कहावत है कि बीडी कला शिव के परम भक्त हैं और यही कारण है कि वे शिवरात्रि के दिन कहीं पर भी हो लेकिन बीकानेर में आना नहीं भूलते। रंगोला स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में जहां भी पूजा अर्चना करते हैं वहीं आत्मेश्वर मंदिर में भी आदर्शन करते हुए उन्होंने अभिषेक किया और विश्व शांति की मंगल कामना प्रभु शिव से की। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। श्री महादेवाय नमः, सर्व सदा शिवाय नमः, आत्मेश्वर महादेवाय नमः, चंदनम समर्पयामि नमः, ॐ गां गन्धर्वाकर सौमेन्द्र सा बृहस्पति कामो गणेशो मोनाद विद्वाकस्मान् पूज्यत नित्यपुषाकरि श्रीवीश्वरि सर्वभूतानां कामिनो प्रवेश्य नमः। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जैसे प्रतिवर्ष लालेश्वर महादेव मंदिर में एक मेला सा लग जाता है। हालांकि इस बार कोविड की पालना के साथ में काफी निर्देश दे रखे थे, बावजूद उसके यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हम आपको लिए चलते हैं शिवाड़ी से लालेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर शिवरात्रि के पावन दिवस पर शिव भक्त जो है वो दर्शनों के लिए उमड़े। यहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में आ गए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें मोटरसाइकिल का शोरूम नहीं है, ये चोरी की 70 मोटरसाइकिल है जो बरामद की है सदर थाना के उन ईमानदार और कर्मठ कांस्टेबलों ने जो एसपी के निर्देश के साथ में टीमों का गठन किया गया था। यहाँ के एसएचओ और थानाधिकारी पवन भदौरिया ने बताया कि किस तरह से लोग जो है वो गाड़ियों की चोरी किया करते थे। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से इन गाड़ियों को पकड़ा, साथ ही इन गाड़ियों की चोरी करने वाले शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। इनकी संख्या 4 बताई जा रही है, उनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है। पवन भदौरिया ने बात करते हुए ये भी कहा कि कई और अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद भी इन लोगों से है। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं सदर थाने का वो नजारा जो आपको किसी मोटरसाइकिल शोरूम की तरह नजर आएगा। यहाँ पर 70 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई। साइकिलें बरामद की है, कहाँ से की है और किस तरह के ये लोग थे जिनसे ये बरामद की है? शहर में पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हो रही थी, जिसको एसपी मैडम प्रीति चंद्रा मैडम ने काफ़ी गंभीरता से लिया और एडिशनल एसपी श्रीमान इंद्रेश्वर के नेतृत्व के अंदर सुपरविजन के अंदर टीमों का गठन किया गया, जिसके अंदर एसएचओ सदर, एसएचओ बीचमान मनोज जी, इसके अलावा हमारी जो स्पेशल टीम है एसपी मैडम की, उसके सभी सदस्य साइबर से दीपक और दिलीप
ये सभी इसमें शामिल थे, इनको टास्क दिया गया और उस टास्क के दौरान केंद्र ने उन्हें कार्रवाई करी और रेखी करी, लगातार रेखी और इसको परस्यूट किया और इसके लेकर कैमरे वगैरह सब चेक किए गए, जिनसे कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें से चार बड़े नाम थे, जिसमें से एक मुखराम मुखिया जो कि हमारे जेएनवीसी में एचएस भी है, जिस पर 32 मुकदमे हैं। इसके अलावा राजिया है जिस पर 40 प्रकरण दर्ज हैं, जो कि नया शहर में एचएस है। इसके अलावा लूनकन सर का एक राहुल जोशी, इसके अलावा एक बीकानेर का एक अन्य जो शामिल हैं, इनको इनसे इंटरोगेशन किया गया और मुकदमों के संबंध में जो भी मुकदमे थे उनके संबंध में मोटरसाइकिल के बारे में पता किया, तो इन्होंने अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल चोरी होना बताया और जिसमें कुल मिला के 70 मोटरसाइकिलों का खुलासा हुआ और आगे भी जांच जारी है, हो सकता है कि इसका 100 से 150 के लगभग लगेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोटगेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए, घनी खमा, घनी खमा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के, तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है, दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने, प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। वैसे अब कब भी कोई किसी पे भरोसा नहीं करे ऐसा वक्त आने वाला है, क्योंकि मानवता की जो सेवा करने वाले लोग हैं, जब मानवता के साथ में दगाबाजी और धोखाबाजी होती है तब मानवता की सेवा करने वाले लोग भी सहम जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जो है वो हमारे सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति मदद की गुहार कर रहा है लेकिन साथ ही साथ वह मदद करने वाले के ही बैग और एक साइकिल पर जो है वो हाथ साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये घटना संगम जूस सेंटर के रूट की बताई जा रही है। पत्रकारिता से जुड़े अनिल दावत के मामले भी एक खुलासा हुआ, जिसमें अनिल दावत को एक फोन कॉल आया था और उसके साथ ही उससे बहुत सारी जानकारी मांगी गई थी कि प्रकार के ऑनलाइन जो है वो चोर और शातिर जो है वो सक्रिय हैं और किस तरीके से वे लोगों को ठगते हैं, इसका जो है वो ताजा उदाहरण अनिल रावत के मामले में देखा जा सकता है। हालांकि अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धिमता से अनिल रावत ने इस हादसे से खुद को तो बचा लिया, लेकिन आम लोगों को इस बात का संदेश जरूर दिया है कि कोई भी अगर व्यक्ति ऑनलाइन आपसे कोई भी तरह की जानकारी मांगे तो कम से कम उसे ये जानकारी देने से बचे। हम भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अनिल रावत जो है वो अपनी सूझबूझ के साथ में इस घटनाक्रम से बच पाए, और आपको भी अगर कहीं पर भी ऐसा कोई वाकया होता है आपके साथ में तो आप भी अपने विवेक और सूझबूझ का जरूर परिचय दिखाते हैं। आपको ये वीडियो क्लिप
अब ठीक है करो ना, कैसे तो रेस्ट कर रहे क्या? अरे रेस्ट कर रहा हूँ, लेटा हुआ। लेटा क्या यार, मैं थोड़ा काम से गया था अनिल भाई ना। एक्चुअली क्या, एक फ्रेंड था मेरे मिलने वाला अनिल भाई, तो उसके पास मेरा कुछ पेमेंट रुका हुआ था 15-20 हजार रुपए ना। अच्छा, तो यार वो लेने के लिए गया था, तो अनिल भाई इधर क्या थोड़ा दिक्कत सा हो गया, मेरा फोन पे था वो सस्पेंड हो गया यार ना। हाँ। तो मेरे में आ नहीं पा रहा है, तो मैंने इसके लिए कॉल किया था। उस टाइम तू मंदिर में था ना। हाँ। तुम बोल रहे थे थोड़ी देर में बाद में कॉल करूंगा, फिर मैंने तेरा वेट भी कर रहा था, तुम्हारा कॉल अब लेट आया है, तो मैं उधर से थोड़ा साइड में हूँ अभी, तो उसके लिए कॉल कर रहा था। अनिल भाई तेरा फोन पे चालू है क्या? फोन पे चालू है क्या तेरा? फोन पे में दिक्कत आ रही है यार। अरे अनिल भाई इनसे निकल जाएगा अनिल भाई ना मेरा, या कल यार, कल चालू हो जाएगा, 24 घंटा के बाद में होगा ये चालू यार मेरा। मेरे में कल डाल देना, तो बाद में रिटर्न कर देना भाई, अगर तेरे को जरूरत हो तो 10-5 हजार रुपए रख लेना, बाद में आधा लौटा देना मेरे को। अच्छा मतलब आप मुझे पैसे दे रहे हैं? अरे मेरा एक बंदे के पास पेमेंट रुका हुआ है 20 हजार रुपए ना अनिल। हाँ। तो वो लेने के लिए गया हूँ अभी, वो क्या कैश में नहीं दे पा रहा है, फोन पे में डालने के लिए बोल रहा है, अब मेरे में आ नहीं पा रहा है, तो मैं तेरे में डलवा दूँ क्या? मेरे में डलवाएगा? हाँ तेरे में डलवा दूँ अनिल भाई यार मैं, तुम मेरे को कल डाल देना, बाद में यार इनसे निकल जाएगा। तुम बोलो तो भाई, अगर मना करे तो कोई बात ही नहीं भाई, दिक्कत हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो डला दूँ भाई। अरे यार मेरे वैसे भी अकाउंट वाला वो क्या है कि वो जो अपने वो जो मतलब अपने 5 लाख वाला होता है ना सिस्टम, हाँ, वो, हाँ, वो यार हाँ, पूरा हो चुका है, तो उसमें यार 20 हजार तो आ जाएगा ना। नहीं नहीं दिक्कत रहेगी यार। तो और किसी का नंबर दे दे अनिल भाई, कोई तेरा और बंदा हो यार, तेरा तो काफी रिलेशन है यार, अब मैं और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं खाली आपके ऊपर ही करता हूँ भाई। कोई और चला रहा हो घर में परिवार में, कोई यार दोस्त चला है उसका नंबर दे दे, मैं उसमें डला देता हूँ, उसके पास है, तू मेरे को कल डलवा देना वापसी, कैश निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, फोन पे में डाल देगा यार वो, मेरा चालू हो जाएगा कल यार। तो कैसे डालेगा फिर फोन पे? मेरे फोन पे में डाल देगा वो? फोन पे में डाल देगा भाई साहब, फोन पे में, और किसी का नंबर दे दे, जब तेरा मैंने तुम्हारा लिमिट हो गया तो तुम मत डलाओ अपने में, और किसी का दे दो। चलो मैं तो कॉल करता हूँ, कितनी देर में? मैं करता हूँ थोड़ी देर, फ्री होके भाई। फ्री होके क्या, ये बंदा निकल जाएगा अनिल भाई, प्लीज यार 2 मिनट में बता देते तो बहुत अच्छा रहता यार, नहीं होगा तो फिर मैं और कहीं जुगाड़ करता हूँ यार। चलो मैं करता हूँ ऑफिस कॉल ना थोड़ी देर में। हाँ 1 मिनट में करी, इसी नंबर पे कर दो। लागी सैसू थाडी, ये राजस्थानी फिल्म शुरू होगी 11 मई से, इसकी शूटिंग होगी, बीकानेर की कई कलाकार इसमें भाग लेंगे। इस फिल्म के निर्माता शिनीश कुमार जो हैं, उन्होंने पहले भी कई राजस्थानी फिल्में बनाई हैं, जिनमें खास तौर से सुबह बदबीनी, रामोचना और कई ऐसी राजस्थानी फिल्में जो यादगार फिल्में हैं। शिनीश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी कि 11 मई से इस फिल्म की शूटिंग प्रारंभ होगी, जिसके कलाकारों का चयन कर लिया गया। बीकानेर के कई कलाकार इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं शिनीश कुमार से बातचीत की संवाददाता। शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकता, भरपूर सहयोग, भरपूर प्रमोशन, मतलब हर क्षेत्र में हर बार करें, चाहे वह पीड़ा में हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे इसका उत्थान में हो, और बीती देर है कि राजस्थानी तो संस्कृति हमारी चल रही है पूरे विश्व की, इंडिया की, कि पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर 2100 से को 45 साल की बात याद आ रही है। एक विशेष कारण से शुरू के मायने जन्म हिंदी फिल्मों के लिए बने गए, तो फिल्म अगर मैं गुजराती मराठी और सब लोग ने आपकी भाषा के प्रति जो समर्पण मार को देखी होगी, तो हमारे लिए दिल में एक प्रश्न उठो कि फिर राजस्थानी में कौन ये बता दें, एक लगभग 13-14 साल का अपराध फिल्म को एक बड़ो गेन जब मैं वीडियो उठाया। सुरेश कुमार जी ने 45 फिल्में राजस्थानी फिल्मों का जो हुआ शुरुआत जो हुई, तो चलते चलते डालते नजर आपकी खास खास खबरों पर। पावन पर्व पर शहर के शिवालयों में श्रद्धालु का बुरा सैलाब, आपेश्वर महादेव मंदिर में ऊर्जा जलदाय मंत्री डॉक्टर बी जी कल्ला ने भी किया अभिषेक और विश्व शांति की प्रार्थना। सदर थाने में 70 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 4 आरोपी गिर। और एक शातिर चोर ने इमोशनली एक व्यक्ति को लगाया चूना, कैसे करे कोई किसी पर विश्वास। महाशिवरात्रि के मौके पर बालेश्वर महादेव मंदिर में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
आप ठगी का हो सकते हैं शिकार, किसी को ऑनलाइन नंबर की जानकारी न दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ रमेश चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बीकानेर बार एसोसिएशन की अध्यक्ष निर्वाचित होने पर एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट स्टेप ग्रुप और बीकानेर अब तक न्यूज परिवार उनके दूसरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर हम अभिनंदन करता है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।